लिज्जत खाना खजाना के दर्शकों को संजीव कपूर का नमस्कार। जब भी आप कभी किसी को खाने पे बुलाते हैं तो आप बहुत सारा खाना बनाते हैं, तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं, कुछ मीट की डिशेस बनाते हैं, कुछ वेजिटेरियन बनाते हैं, कुछ पनीर के बनाते हैं, कुछ सब्जियां बनाते हैं, कुछ पराठे बनाते हैं, कुछ चावल बनाते हैं, लेकिन एक डिश ऐसी होती है जो हमेशा बनाते हैं और वो होती है दही की। या दही बनाते हैं या रायता बनाते हैं या जी हाँ दही भल्ले बनाते हैं। तो शुरुआत आज की करेंगे हम दही के भल्लों से। इसके लिए हमें चाहिए 400 ग्राम उड़द की दाल धुली हुई, तलने के लिए तेल, नमक स्वादानुसार, चुटकी भर हींग, दो बड़े कप दही फेंटी हुई, आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। जैसा कि मैंने आपको बताया, दही भल्ले बनते हैं उड़द की दाल से। उड़द की दाल धुली हुई, उड़द की दाल धुली हुई का मतलब ये नहीं होता कि आप दाल को धोते जाएं और वो धुली हुई दाल हो जाती है। जब भी हम धुली हुई दाल कहते हैं उसका मतलब है वो छिलके वाली नहीं है। और यदि आप ये उड़द देखें, जो होल उड़द होती है वो पूरे होती है काले रंग की, उसका जब छिलका निकल जाता है तो वो धुल जाती है, जब उसको आधा कर दिया जाता है तो उसको दाल कहा जाता है। दाल इसलिए क्योंकि अगर पूरे बीन को जब दला जाता है तो उससे ये वर्ड निकला है दाल। इसको करीब 4 से 6 घंटे तक पानी के अंदर भिगो के रखें और उसके बाद इसको पीसें। आप अंदाजे से पानी इसके अंदर डालें क्योंकि जितनी दाल फूलती है उतना कम पानी इसके अंदर लगेगा। जब इसकी पेस्ट अच्छी तरह से बन जाए तो इसको निकाल लें और उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। इसके अंदर डालेंगे थोड़ा नमक, आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा जीरा भी डाल सकते हैं, और साथ में थोड़ा हींग, और थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छी तरह से फेंट लें। ये जो फेंटना है इसका, इसी की वजह से ये फ्लफी बनते हैं यानी लाइट बनते हैं। इसको अच्छी तरह से फेंटें क्योंकि आजकल जो मिक्सी आती हैं उसके अंदर जब ये पिसाई होती है उसके साथ साथ उसमें एरिएशन नहीं होता, यानी उसके साथ उसमें हवा नहीं भरी जाती। जी हाँ, जब इसमें आप फेंटेंगे इसको तो ये लाइट होगा, इसके अंदर हवा इनकॉर्पोरेट होगी। आप इसको अच्छी तरह से जब फेंट लें उसके बाद इसको गर्मा गर्म तेल के अंदर हम फ्राई करेंगे। इसकी जो शेप है, आप चाहें तो वड़े की तरह से शेप बना सकते हैं, वड़ा यानी जैसे डोनट की शेप होती है उस तरह से इसको आप शेप कर सकते हैं। हाथ में पानी लगा लें और साइज आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना बड़ा साइज इसका चाहते हैं। इस तरह से हाथ में इसको गोल कर लें और अंगूठे से बीच में इस तरह छेद कर दें। अब दूसरे हाथ पे ले लें इसको। हाथ पे हमेशा पानी लगाए रखें, उससे चिपकता नहीं है। और अब इसको गरम तेल के अंदर डाल दें। इसी तरह से बाकी भी आप डालें। आप चाहें तो इसको गोल भी बना सकते हैं छोटे साइज में। इस तरह से इसको पलट लें। ये देखिए, ये फेंटने की वजह से कितने फूल गए हैं। आप चाहें तो इसकी गुजिया भी बना सकते हैं। एक प्लास्टिक का पेपर ले लें, काट लें उसको इस तरह से, उस पे थोड़ा पानी लगाएं और ये जो मिक्सचर है उसको थोड़ा सा फेंक के मारें इसके ऊपर ताकि वो इवनली स्प्रेड हो जाए। अब बिल्कुल घबराइए नहीं जब आप इसको फेंकें क्योंकि कुछ नहीं होगा, वो कहीं नहीं जाएगा। अब उसके बाद आप इसमें
किशमिश रख सकते हैं, साथ में थोड़ा काजू, और उसके बाद ये पॉलिथीन को इसके ऊपर इसको आधा जो है फोल्ड कर दें इस तरह से। ये देखिए, और जब आप इसको उठाएंगे एक बार फिर से हाथ में पानी लगा लें, इस तरह से रखें आप और फ्राई करने के लिए डाल दें। बाकी भी आप जब बनाएं तो इस पे पानी लगा लें। इसके अंदर आप चाहें तो कोई भी स्टफिंग डाल सकते हैं, आप अदरक मिर्ची की स्टफिंग डाल सकते हैं, चिरौंजी की स्टफिंग डाल सकते हैं। ये तो तैयार हो रहे हैं भल्ले या गुजिया, या आप चाहें तो इसको छोटे शेप में भी, बॉल के शेप में भी बना सकते हैं। आप चाहें तो इसी को आप मूंग की दाल से भी बना सकते हैं। जी हाँ, उसको थोड़ा फेंटना ज़्यादा पड़ता है क्योंकि वो इतनी ज़्यादा फूलती नहीं है। जब इन भल्लों में अच्छा सुनहरा ब्राउन कलर आना शुरू हो जाए तो इसको निकाल लें, और यदि आप इसको उसी समय सर्व करना चाहते हैं तो इसको निकालते साथ ही पानी के अंदर डाल दें। पानी में डालने से ये एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। आप चाहें तो इनको थोड़ा और लाल कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि आप जितना भी इसको बाहर से लाल करें अंदर से ये पूरा पक जाना चाहिए। अब इन भल्लों के अंदर वो चीज डालेंगे जिससे ये बनते हैं, दही भल्ले। जाहिर है इसके अंदर हम दही डालेंगे। दही को आप छान लें या अच्छी तरह से फेंट लें, और उसके अंदर थोड़ा नमक डाल लें, और उसके बाद ये जो भल्ले हमने फ्राई किए हैं ये देखिए एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। इसका पानी इसमें से हम निकालेंगे। और उसको दही के अंदर डिप करेंगे और इसको दही में डालने के बाद दही के अंदर करीब आधे घंटे तक रहने दें ताकि दही इसके अंदर तक अच्छी तरह से रिस जाए। मेरे लिए कहना बहुत आसान है कि अब ये भल्ले इस दही में आधे घंटे तक अच्छी तरह से रिस चुके हैं। अब इसके बाद, खैर अभी इसको 2 मिनट हुए, फिर भी मैं निकाल के दिखा देता हूं आपको। डाले हमने दही भल्ले, 4 थे लेकिन निकले 3 हैं। इसका मतलब है चौथा दही को पसंद आ गया है। और इसके बाद इसके ऊपर दही डालें। दही डालने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करें, क्योंकि मैंने ऐसा कई बार देखा है, कई जगह देखा है कि दही भल्ले होते हैं उसमें भल्ला भल्ला होता है, दही का नामो निशान नहीं होता। तो जब भी आप दही भल्ले बनाएं तो उसमें दही खूब सारी डालें, और दही डालने के बाद उसके ऊपर डालें थोड़ा लाल मिर्च पाउडर और डालें भुना हुआ जीरा पाउडर। ये तो तैयार हो गया है दही भल्ला। खैर मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इसका नाम दही तो ठीक है, दाल भी ठीक था, दलने से दाल बना, लेकिन ये भल्ला कहाँ से नाम पड़ा। अच्छा है इसको दही भल्ला ही कहा जाता है, दही कपूर नहीं कहा जाता।
दही भल्ले या दही वड़े या दही गुजिया का मजा तभी आता है जब वो किसी चटनी के साथ खाया जाए। जी हाँ, और मजा उसका और बढ़ जाता है जब वो चटनी किसी फल से बनी हो, और उसका मजा तिगुना हो जाता है यदि वो फल इमली हो। जी हाँ, इमली भी एक फल है। तो ये फल की जो चटनी है, यानी इमली की जो चटनी है, उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी देखते हैं। इमली की चटनी के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम इमली, एक छोटा चम्मच जीरा, 2 से 4 दाने बड़ी इलायची के, एक छोटा चम्मच काला नमक, सफ़ेद नमक स्वादानुसार, 1 से 1.5 कप गुड़, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 बड़ा चम्मच अमचूर। इमली की चटनी के लिए सबसे सूखी हुई इमली आप ले लें। जी हाँ, इमली जितनी सूखती जाती है उतनी ज़्यादा खट्टी होती जाती है। उस इमली को गुनगुने पानी के अंदर कुछ देर भिगो के रख दें और उसी पानी के साथ उसको पकाएं। लेकिन पकाने से पहले उसमें थोड़ा सा फ्लेवर हम देना चाहेंगे, और फ्लेवर वो देंगे जीरे का। एक बर्तन में जीरा डाल दें और जीरे को डायरेक्ट बिना किसी तेल, बिना किसी घी, बिना किसी मक्खन के गरम करें, ताकि जो जीरा है वो थोड़ा भुनना शुरू हो जाए। जब जीरा अच्छी तरह से भुन जाए, थोड़ा रंग भी उसका चेंज हो जाएगा, तो उसके बाद ये जो इमली पानी के अंदर भीगी हुई है उसको डालें। अब इस पानी के साथ इस इमली को उबाला आने दें। अच्छी तरह से ये जो इमली है पक जानी चाहिए, ताकि इसका जो गूदा है वो पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जब ये अच्छी तरह से पक जाएगी तो इसको हम छानेंगे और उसका जितना गूदा है उसको निकाल देंगे। यदि आपने इमली गिठली वाली ली है तो वो भी निकल जाएगा और नीचे रह जाएगा इमली का गूदा। यदि इस इमली की चटनी को आप थोड़ा सा और फ्लेवर देना चाहते हैं तो इसके अंदर आप डाल सकते हैं मोटी इलायची, या तो आप इसको छिलके समेत ही डाल दें, और या आप डाल सकते हैं इसके बीज के बीज। अब ये जो इसका पल्प है ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है, क्योंकि इमली पक पक के इसके अंदर इसका गूदा काफ़ी मिल गया है। अब इसको हम छान लेंगे। एक छन्नी में से इसे छान लें। इसका जो गूदा है उसे आप अच्छी तरह से निकाल लें, यानी इसको इमली को प्रेस करके इसके अंदर से सारा गूदा इसका निकाल लें। आप चाहें तो इसको एक बार फिर से बॉईल कर सकते हैं दूसरा पानी लेके, और फिर से एक बार स्ट्रेन कर लें, ताकि इमली के अंदर कुछ भी ना बचे। ये ठीक उसी तरह से आपने देखा होगा, जब भी आप गन्ने का जूस पीने जाएं तो आप गन्ने का जूस लेते हैं, गन्ना वो जो बेचने वाला है जूस गन्ना लेता है, छीलता है, उसको मशीन के अंदर से डालता है, गन्ने का जूस बहुत अच्छा सा निकलता है। वो एक बार फिर से वही गन्ना लेते हैं, फिर से मशीन में से निकालते हैं, और फिर थोड़ा सा जूस निकलता है। आप सोचते हैं कि इस गन्ने का पूरा जूस निकल गया, लेकिन वो गन्ने वाला जो जूस वाला है वो नहीं मानता। वो एक बार फिर से वो लेता है, उसके अंदर इस बार आधा नींबू डालेगा, थोड़ा सा अदरक डालेगा, और फिर से वो गन्ना उस मशीन के अंदर डालेगा, और आप देखेंगे इस बार भी थोड़ा सा जूस निकला, और आप सोचते हैं कि अब तो ये फेंक ही देगा। लेकिन वो नहीं मांगता, वो अपनी मशीन को थोड़ा सा और टाइट करता है, गन्ने को पूरा मरोड़ता है और फिर से उसके अंदर डालता है। इस बार जूस नहीं, सिर्फ झाग निकलती है और आप पीते हैं उसको। आप चाहें तो इस तरह से इसके साथ भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। और एक बार फिर से इसे हम पकने के लिए रखेंगे, इस इमली के रस को, और इस बार इसमें हम अब डालेंगे गुड़। वैसे तो इमली काफी खट्टी होती है, लेकिन इसमें एक दूसरी प्रकार की खटाई भी आप डाल सकते हैं थोड़ी सी, और वो है अमचूर, यानी आम का पाउडर, सूखे आम का पाउडर, और इसके अंदर डालें काला नमक।
साधारण नमक, सफेद नमक भी इसके अंदर डालें और इसमें डालें लाल मिर्च का पाउडर। ये लाल मिर्च है जो आपकी जबान को तीखापन देगी। और अब एक ऐसी चीज डालते हैं जो आपके गले को थोड़ा तीखापन देगी, वो है काली मिर्च का पाउडर। आप कभी भी ध्यान से देखें तो काली मिर्च गले पे तीखापन देती है और लाल मिर्च जबान पे। जब ये चटनी पक के गाढ़ी हो जाए तो आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और डाल सकते हैं। अभी तो हमने इसमें सिर्फ फ्लेवर के लिए जीरा और इलायची डाली थी मोटी, आप चाहें तो इसके अंदर गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। जब ये पक जाए तो इसको ठंडा होने के लिए रख दें। जब ये ठंडी होगी, क्योंकि इसके अंदर गुड़ डला है, तो ये काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी। इसलिए यदि पकते वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि ये उतनी गाढ़ी नहीं है जितनी आपको चाहिए, तो घबराइए नहीं, क्योंकि ठंडी होके ये चटनी गाढ़ी हो जाएगी। उसके बाद जब ये ठंडी हो जाए, गाढ़ी हो जाए, तो इस फल की यानी इमली की चटनी में आप चाहें तो कोई और फल भी डाल सकते हैं, जैसे केले डाल सकते हैं, अंगूर डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसके अंदर काजू डाल सकते हैं। काजू, जी हाँ, काजू फल नहीं है लेकिन नट है। खैर, आप चाहें तो इसके अंदर किशमिश भी डाल सकते हैं। अब किशमिश क्या है, नट है या फल है, खैर ये आप सोचिए। मैं ध्यान देता हूँ इस समय इस इमली की चटनी पर, जिसे आप सौंठ के नाम से भी जानते हैं। और अब इमली की चटनी के बाद हम देखेंगे एक और इमली की चटनी। जी हाँ, ये कोई दूसरी तरह की इमली नहीं है, ये चटनी है जिसमें इमली है, लेकिन इसमें इमली कम है और खजूर ज्यादा है। तो इसका मतलब है ये इमली की चटनी नहीं, ये हो गई खजूर की चटनी। इसके लिए हमें चाहिए 20 से 25 खजूर, 1 कप इमली, नमक स्वादानुसार, 1 छोटा चम्मच काला नमक, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 3/4 कप गुड़। खजूर की चटनी के लिए सबसे पहले इमली को भिगो लें, साथ ही साथ आप चाहें तो खजूर को भी भिगो सकते हैं, लेकिन पकाना है हमें इमली को। इस भीगी हुई इमली में जब इसको हम पकाना शुरू करेंगे, अदरक डालेंगे थोड़ा, आप चाहें तो इसको अदरक के बगैर भी बना सकते हैं। और अब इस अदरक को इस इमली के साथ हम डालेंगे और इसको पकने दें। जब इमली पानी के अंदर अच्छी तरह से घुल जाए तो उसको हम छान लेंगे। इसमें सिर्फ हमें इमली की खटाई चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, और जो गूदा है वो भी ज्यादा नहीं चाहिए। और अब इसके अंदर अदरक का फ्लेवर भी आ चुका है, इसको अच्छी तरह से छान लें और नीचे जो गूदा है उसको भी मिला लें इसके अंदर। अभी देखेंगे आप इस समय इमली का पानी काफ़ी पतला है और इसको हम गाढ़ा करेंगे बाकी चीज़ें डाल के, जैसे गुड़, खजूर वगैरह। और ये जो इमली का पानी हमने छाना है, इसको एक बार फिर से हम गर्म करेंगे और इस बार इसमें डालेंगे मसाले। इसके अंदर थोड़ा गर्म मसाला पाउडर, आप चाहें तो पहले जब हमने इमली पकाई थी उस समय होल गरम मसाले भी डाल सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर, आप इसको जितना तीखा बनाना चाहें उस हिसाब से लाल मिर्च का प्रयोग करें, नमक और थोड़ा काला नमक। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नमक और काले नमक के टेस्ट में काफ़ी फर्क होता है, इसलिए काला नमक भी इसके अंदर हम डालेंगे। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे गुड़। इसके अंदर हम खजूर भी डाल रहे हैं, उसकी अपनी मिठास काफ़ी होती है, तो इसलिए गुड़ बहुत ज़्यादा नहीं डालना हमें। आप चाहें तो गुड़ की जगह चीनी भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से गर्म होने दें और जो आंच है इसकी
थोड़ा धीमे कर दें और ये जो गुड़ है वो इसके अंदर अच्छी तरह से मिल जाना चाहिए। ये जितना गर्म हो रहा है उसकी वजह से गुड़ पिघलेगा और एक सार हो जाएगा। ये जब तक ये उबलता है तब तक आपने जो खजूर भिगो के रखी हैं उसको उसमें से सीड निकाल लें। जो खजूर है उसको आप थोड़े गुनगुने पानी यानी थोड़े से गर्म पानी के अंदर भिगो के रखें ताकि वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद जो उसकी गिठली है वो आराम से निकल जाएगी। इसके बीच में से इसकी गिठली निकाल लें और इसी तरह से बाकी जितनी खजूर है उसकी भी गिठली निकाल लें और आप चाहें तो उसको थोड़ा सा काट भी सकते हैं। अब इसके अंदर गुड़ अच्छी तरह से घुल चुका है। इसके बाद वो खजूर जिसे आपने पहले से भिगोया है, गिठली निकाली है, उसको इसके अंदर डालेंगे। और इसको भी इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स होने दें। ये खजूर की वजह से ये काफी मीठी अब हो जाएगी और इमली की खटास इसको खट्टा करेगी। आप देखेंगे ज़्यादातर जो चटनी होती हैं वो खट्टी मीठी होती हैं या सिर्फ खट्टी होती हैं, तो खजूर की चटनी खट्टी मीठी होती है। और खजूर डालने के बाद इसको करीब 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें ताकि इमली और खजूर एक साथ अच्छी तरह से मिल जाएं, यानी थोड़ा सा आपस में बातचीत उनकी अच्छी तरह से हो जानी चाहिए ताकि इमली और खजूर एक साथ टेस्ट करने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक चम्मच में आधा हिस्सा खजूर का और आधा हिस्सा इमली का टेस्ट आ रहा है। कभी आपने ऐसा देखा है? इसमें ऐसा नहीं होगा। खा के देखिए इसको ठंडा करके। आप चाहें तो किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ थोड़े से बॉइल्ड राइस लीजिए उसके ऊपर ये खजूर की चटनी खा के देखिए, आपको किसी सब्जी किसी मीट किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।